हे गाइस, आ चुके हैं नए वीडियो के साथ वापस। एंड यार, ये वाले मैच में पबजी मोबाइल वालों ने मेरी आईडी को टेम्प्रेरी बैन कर दिया, क्योंकि मैंने अपने टीममेट को ग्रेनेड किया था और ग्रेनेड करने के बाद जो है वो टेम्प्रेरी बैन पड़ गया मेरे को। या फिर दूसरा रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि ये वाले मैच में मैंने जो है 26 से ज़्यादा किल किए थे और अभी भी मैं कर ही रहा था कि पबजी वालों ने मेरे को टेम्प्रेरी बैन दे दिया, या तो फिर वो कुछ एक छोटा मोटा ग्लिच था। बट देखते हैं, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये वाले मैच में मैं अपनी एक स्क्वाड के साथ खेल रहा था, ये टीममेट जो है मेरे दोस्त नहीं थे, तो ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब लड़ने का रीज़न क्या था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट पहले क्योंकि ये सारे के सारे रैंडम बंदे थे, मैं भी रैंडम था, तो सारे के सारे अलग अलग उतरे, मैं भी अलग उतरा। मैं सेवरनी उतर जाता हूँ, और क्योंकि ये यहाँ पे मेरे हिसाब से 1v4 वाला सिचुएशन था, तो मेरे को सबसे पहले सेवरनी को क्लियर करना बनता था। अब एक बंदा यहाँ पे था, एक बंदा इसका पीछे था, तो इन्होंने यहाँ पे जो है अभी भी 4 बंदों को क्लियर किया था। सो अब देखो इनको कैसे क्लियर करते। ये बंदा नीचे कूद जाता है, तो मैंने इसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। अब बारी थी दूसरे के, जिसको कि मैंने भर दिया, और यहाँ पे जो है 2 बंदे वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अब एक टीम जो है पूरी की पूरी बच रही थी सड़क के उस पार, वहाँ पे 2 टीमें थी और जो कि आपस में लड़ रही थी, तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा अपन चुपचाप जो है इस साइड से निकल लेते हैं, लेकिन तभी उनका एक बंदा जो है मेरी साइड आ जाता है, मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने से पैदल चल के जा रहा था और घर के अंदर जाते हुए मैंने उसको देख लिया था। और यहाँ पर ना उस बंदे के पास ज़्यादा कुछ लूट थी नहीं, तो वो इधर लूटने आया और उसकी टीम वहाँ पर बिजी थी। तो देखो इस बंदे को कैसे भरते हैं। मैंने तुरंत उसको फिनिश किया, इसके पास ज़्यादा लूट तो थी नहीं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं इनकी टीम को जो है पीछे की साइड से मारने वाला था। लेकिन उससे पहले मेरे को इनका एक बंदा दिख जाता जो कि ओपन में था, और देखो यहाँ पे उसको एक आधी बुलेट लगी, लेकिन वो कवर में चला गया था। अब उसके पास ज़्यादा बेटर एडवांटेज था वहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्री फायर किया था, मेरे को पता था ये कभी ना कभी तो मेरे को मारने के लिए निकलेगा वहाँ से। सो मैंने प्री फायर किया और वो वाले बंदे को मैं ले जाता हूँ। लेकिन ये जो बंदा जिस बाइक में आया था ना, वो बाइक बिल्कुल सामने थी और उस पर बाकी के लोग जो है एकदम एम करके बैठे हुए थे। मैंने स्मोक स्मोक कर दिया यहाँ पे और उसकी बाइक में बैठा और चुपचाप उसकी बाइक लेके इन लोगों के ऊपर मैं रश कर देता हूँ। लेकिन मेरे को लगा कि यार शायद यहाँ पे कोई है नहीं, क्योंकि किसी ने फायर भी नहीं किया, तो मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ। और यहाँ पे होता है तुम्हारे भाई का पहला सामना, मतलब पूरे 4 बंदों से, वो भी एक सामने, और देखो कैसे यहाँ पे निपटते हैं। फिर अब यहाँ पे मैं चारों तरफ से घेर चुका था, तो मैंने इसको नॉक कर दिया पूरा का पूरा, और यहाँ पे हीलिंग लगाने लग जाता हूँ। इसका टीममेट आया यहाँ पे, उसको लगा कि मैं यहाँ पे टीपी भी ले रहा हूँ, उसने मेरे को हील लगाते हुए नहीं देखा, और फिर मैंने उसको चांस भी नहीं दिया। खैर, इन दोनों को फिनिश करता हूँ मैं तुरंत सबसे पहले तो, और अब इनका आखिरी बंदा बचा हुआ था। वो बेचारा दीवार के पीछे बैठा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे उसको मेरी बुलेट लग गई, और वो भी बैक टू बैक 3 हेड लगे उस बंदे को। आई थिंक उसने लेवल 3 का हेलमेट पहना हुआ था, तब जाके 3 हेड सर्वाइव कर पाया, वो भी एक गेम का। खैर, यहाँ पे मारा जाता वो वाला बंदा, और यहाँ पे तुम्हारे भाई का जो है पहला क्लच भी होता है। सो यार, इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल यहाँ पे ना मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था, उसके बाद गाड़ी लेके जाता हूँ मैं सीधा अपार्टमेंट में, क्योंकि मेरे को जो फ्लेयर मिली थी वो मेरे को चलानी थी। अब देखो मेरे टीम मेट को ना कोई भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कहाँ पर, किसी को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब सब अपने अपने में मस्त हैं। अब मैं यहाँ पे आया फ्लेयर चलाने के लिए, मैंने उनको बोला कि भाई आ जाओ मेरे पास फ्लेयर है तो मैं तुमको लूट दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है 3 से 4 टीमें थी, सारे आपस में लड़ रहे थे, तो मेरे को खतरा था कि भाई ये सारे के सारे बंदे ना कहीं से अटैक जरूर करेंगे फ्लेयर को देख के। उनमें से एक बंदा किया भी, और इसको देखो कैसे भरते हैं। अब इसका दूसरा बंदा भी सेम टाइम पर आ जाता, तो मैंने पहले दूसरे को मारा, और अब भरी थी पहले वाले की। इस बंदे के पास सिर्फ शॉटगन थी, तो इसको मारना आसान था, सो पहले मैंने बाहर वाले को मारा एंड देन जो इसको मारता हूँ मैं। अब बारी थी यहाँ पे जो है बाकी के बचे हुए बंदों की, जैसे कि मैंने आपको कहा भाई यहाँ पे 3 से 4 स्क्वाड थी और सब के सब आपस में लड़ रहे थे, और यहाँ पे सारी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि सब जो है आपने देखा होगा ये वाले बंदे को, ये भी पता नहीं किसी के खिलाफ टीपी भी ले रहा था, मतलब इस बंदे की बिल्डिंग में भी कोई है। अब यहाँ पे मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा था, जिस चीज़ के लिए मैं रुका हुआ था इनको मारने के लिए, वो थी भाई मेरा फ्लेयर ड्रॉप, ताकि वो कोई और ना लूट ले, और मैं इनको मारने जाऊँगा तो कोई और ऑब्वियसली इसको लूट लेगा। सो मैं यहीं पे ही था, तब तक मैंने अटैक नहीं किया, यहीं इन्हीं लोगों का के खिलाफ मैंने डिफेंस किया, अटैक नहीं किया मैंने, बिल्कुल डिफेंस किया है। और अब बारी थी अटैक की, यहाँ से गाड़ी उठाई सीधा इनकी बिल्डिंग के बाहर आ जाता मैं, जहाँ पर जो है ये आपस में लड़ रहे थे, और यहाँ पर स्पॉट होता है मेरे को एक तीसरी टीम का बंदा। खैर, इसको मारा मैंने, लेकिन तुरंत बाहर से भी एक बंदा जो है पुश कर देता है, सो मैंने यहाँ पे जो है इसको मारना जरूरी नहीं समझा, और इसका नाम भी सेम ही था जो मैंने पिछले 2 बंदों को। खैर, इसको भी फिनिश कर दिया, लेकिन सामने वाले घर में एक बंदा और बचा हुआ था, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा और एक स्क्वाड और थी, मतलब अभी भी 3
टीमों के बंदे थे यहाँ पे। खैर इसको मार दे, देखो कैसे ये नीचे कूद जाता है और बेचारा किस्मत खराब। बहुत बुरी मौत हुई भाई इस बंदे की। खैर सामने तीन चार बंदे थे और सारे के सारे पीक लेके बैठे थे गाड़ी पे। सो मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा उनको डिस्ट्रैक्ट किया यहाँ से, और उसके बाद मैंने जो है एक स्मोक किया मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर, ताकि मैं दूसरी गाड़ी तक पहुँच सकूँ, देन उनकी बिल्डिंग तक जाऊँ और उन सबको जो है मैं निपटा दूँ। लेकिन मेरे को डर था कि स्कूल से कोई मार ना दे, क्योंकि हो सकता है स्कूल पे भी बंदे हों, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी। सो मैंने स्मोक तो कर ही रखा था, बट मैं गाड़ी में नहीं बैठता क्योंकि मेरे को पता था वो चारों फोड़ देंगे। सो एक को तो नॉक करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने एक को नॉक किया और अब देखो बाकी के दो कैसे आते स्प्रे में। जैसे कि मैंने कहा भाई, दोनों के दोनों जो है सेम खिड़की से पीक ले रहे थे और दोनों के दोनों जो है हेड ही हेड पड़ते उनको, क्योंकि बाकी तो बॉडी उनकी एक्सपोज हो ही नहीं रही थी, तो हेड ही हो रहा था। सो हेड उनको काफ़ी सीली पड़े वहाँ पे, और ये वाली टीम तो निपटा दी मैंने। लेकिन अभी भी एक बिल्डिंग की टीम बच रही थी जो कि पीछे वाली। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये वाली गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, और मेरे को जो है दूसरी गाड़ी वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ताकि जो बीच वाली बिल्डिंग है उनमें जो बंदे उनको मारा जा सके। इतने में पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदे स्पॉट हो रहे भाई। खैर ये भी मारा जाता, पहले ये मेरी साइड ही आ रहा था लेकिन बाद में मारा जाता है। खैर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी बगी चेंज किया, और देखो सामने वाली बिल्डिंग में बंदा एक स्पॉट हो रहा है, इनमें से एक मुझे मार रहा है लेकिन दूसरा जो टीपी भी ले रहा है जिसको मैंने देख लिया था, और ये भी आपस में लड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई बंदे जो है कौन किसका बंदा है, मतलब इतनी सारी टीमें थी यहाँ पे। खैर इनको निपटा दिया और यहीं पे मेरे 20 किल भी हो जाते कंप्लीट। खैर यहाँ से मैंने सोचा कि अब निकला जाए यहाँ पे, क्योंकि फ्लेयर चली थी और उसका पीछा करने आता मैं यहाँ पे। लेकिन तब तक आई थिंक ये लोग लूट चुके थे, और मेरे को ओपन में जो है दो से तीन बंदे स्पॉट होते हैं, और एक तो ये बगी वाले भी स्पॉट होता है। इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन जो सामने बंदे मेरे को दिख रहे थे ओपन में उनको मैं मार नहीं पाता, क्योंकि उनके पास जो है AWM रहती है, एक के पास K90 और दूसरे के पास AWM, और बाकी के दो बंदे जो वहीं से पीक ले रहे थे। सो मेरे लिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा था उधर उन लोगों के ऊपर पीक लेना। तो मैंने सोचा डायरेक्ट पुश ही कर दिया जाए, यार पीक कौन ले, मतलब घुस के मार देना। अब देखो कैसे इनका 1v4 करते हैं यहाँ पे। एंड यार अगर ये वाला क्लिच बढ़िया लगे ना तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल यहाँ पे एक बंदे को निपटाया, बाकी किसी की पोजीशन नहीं पता थी मेरे को, दूसरे को भी निपटाया, फिनिश नहीं करता मैं, अगेन हील करता हूँ क्योंकि बाकी को भी निपटाना था। और बाकी के बंदे मेरे को दिखते हैं, वो देखो एक बगी वाला दिखा मेरे को, इसको मैं फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, गोली नहीं चलती। एक और निपटाया, जो आखिरी वाला था उसको मैं निपटा नहीं पाता। अब यहाँ पे 1v4 नहीं, एजली 1v5 करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक और बंदा था जो कि जब जस्ट वेट कर रहा था कि मैं कैसे इनको जो है 1v4 करूँ, देन वो मेरे को इजीली मार दे, और आसपास ही था। अब देखो मैंने यहाँ पे इजीली इनको 1v4 कर दिया, और वो बंदा जो है अपने टीममेट को बचा नहीं पाया। तो अब यहाँ पे एक और बंदा था जो इन सब चीज़ों का वेट कर रहा था कि कब वो बंदा जो है मतलब ऐसा पीठ पे हमला करे, और वो करता भी है देखो कैसे। अब यहाँ पर मेरे को इस बंदे को निपटाना, सो मैंने बगी उठाई स्मोक करके और उस बंदे के ऊपर पुश कर देता, क्योंकि पैदल तो मेरे को पता नहीं था वो बंदा कहाँ पे है। तो मैं घूम के जाता हूँ, एक्चुअली पता करता हूँ, और फाइनली उसकी लोकेशन मेरे को यहाँ पर रिवील होती है। और देखो अब कैसे भरते हैं इस बंदे को काफ़ी इजीली, और काफ़ी इजीली मारा गया ये बंदा। वैसे वहाँ पर ये बंदा मार सकता था मेरे को, लेकिन कह सकते हो किस्मत अच्छी थी मेरी जो बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे 26 किल हो चुके थे, और फाइनली आती है बारी सिर्फ एक बंदे की। मतलब यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट एक क्वार्टर सर्वर, मतलब एक आपसे कह सकते हो कि एक क्वार्टर सर्वर को यहाँ पे मैं अकेला मार दिया। लेकिन ये लोग आपस में क्या कर रहे थे, ये सब आपस में फाइट कर रहे थे क्योंकि रैंडम थे, ये टीममेट भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात वूत तो कर नहीं रहे थे। सो ये देखो मेरे को मेरे ऊपर से हमला कर देते ये लोग। अब मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं था भाई। अब एक तो भाई ये कुछ काम कर नहीं रहते, मैं इनके लिए बंदों को मार रहा था लेकिन उल्टा ये मेरे को ही मार रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या ही रीज़न था। बट मैं भी इनको थोड़ा सा गुस्सा हो जाता हूँ, और मैंने भी सोचा बात तो ये कर नहीं रहते, तो मैंने भी नेड वेड खींचा, और यहाँ से जो है जिस बंदे ने मेरे पे फायर किया था उसको मैं उड़ा देता हूँ। और जैसे मैंने इसको बंदे को उड़ाया, ये बंदा नॉक हो जाता है। मैंने सोचा फिनिश नहीं करूँगा, सामने वाले को नॉक करता हूँ वो जो आगे वाला है, और तभी मेरी ID पे ये वाला मैसेज आ जाता है। अब यार ये मैसेज क्या था मेरे को बताओ, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है वो तो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, और यहाँ पे वैसे बचा भी तो एक ही बंदा था, और यहाँ पे मेरे को पता लगता है कि भाई पबजी वाले ने हल्का सा टेम्पररी बैन दे दिया है। मुझे नहीं पता मतलब अगर आप किसी टीममेट को ऐसा नॉक करते हो तो आपको कुछ टेम्पररी बैन वैन मिलता है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है मैं लॉग इन नहीं कर पाया, और बार बार जो है यही मैसेज आ रहा था, जबकि जो है मेरा इंटरनेट है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। खैर ये सब छोड़ो, मेरे को ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि एक ही बंदा बचा हुआ था और मैं अपने 26 किल कर चुका था, तो भाई इसके बाद तो मैं मर भी जाता तो मेरे को कोई सीन था नहीं। तो यहाँ पे जो है अगर आपको ये
वीडियो बढ़िया लगी, यही था इस वीडियो का अंत। अगर बढ़िया लगी तो भाई बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट और कौन सा किल आपको जो है सबसे बढ़िया लगा। इसके अलावा जो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो और उसके लिए आप जो है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो एंड उसको आप ग्रे कर सकते हो, प्लीज़ उसको आप ग्रे करो अगर आपने अभी तक भी उसको ग्रे नहीं किया। एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि छोटे मोटे अपडेट होते हैं वो मैं आपको जो है बार बार इंस्टाग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ जो है मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता तो वह चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। सो उसके लिए भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।